एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ईद अनकरीब आने वाली है, तकरीबन आ ही गई है। तो आफ्टर वन टू डेज तो अब हमने कहा हम भी अपने प्रेपरेशन कर लें ईद की। तो हम सर्विसेज वगैरह ले लें। वैक्सीज की मैंने कल कर दी थी अजवा की, क्योंकि इसके बालों पे वो बाजों पे बाल बहुत ज्यादा नहीं है इतने, नहीं मैंने वो मेहंदी अच्छी लग जाएगी ना। हाँ, मेरे बहुत ज्यादा। अब इसके मैं लाइट सा पॉलिशर करने लगी हूँ, मैं करती नहीं हूँ, आज सेकंड टाइम करने लगी हूँ इसका। तो उसके बाद फिर हम अपनी भी प्रेपरेशन करेंगे। अभी इसकी बूथ ही देख लें बिफोर एंड आफ्टर, फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी मुझे देखेगा। तो हमने कहा साथ साथ इनको तो पहले मैं फॉलो करूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंटेज भी माशाल्लाह से आ रही है। तो क्लाइंट्स आ जाते फिर हमें होता नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं रेडी होता। तो फिर वो अभी टाइम नहीं फीस मिलता। मम्मा मेरा भी कुछ करना है या नहीं? नहीं, आप अभी छोटे हो। नहीं, मम्मा बोल रही है। आइस बंद। नहीं करो। नहीं नहीं रहने दो उसके पास। अब मैंने पकड़ लिया। क्या जो तुम्हें मैं डांस करवाती हूँ? नो। करना? बच्चियों को केयर करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जितना यानी कि अब इन्वायरमेंट है, डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर अगर केयर ना करें तो फिर बच्चों की स्किन इतनी ख़राब हो जाती है। तो अब मोस्टली लोगों को अवेयरनेस। मैं अभी बच्ची हूँ, एक मेरे भी कर दो केयर। नहीं, आप तो अभी बहुत छोटे हैं ना, तो फिर ये इतनी छोटी बच्चियाँ केयर भी नहीं करती। तो अभी ये इनको अभी कुछ इतना आइडिया नहीं है ना कि केयर कैसे करनी है। मम्मा तो नहीं, मैं कभी फंक्शन में या कुछ, ये मेरे अब सेकंड टाइम करने लगी हूँ। नहीं, मामू की शादी पे की थी और अब करने लगी हूँ, क्योंकि इसकी ना मम्मा याद है मैंने ना अजवा के वैक्स करती थी, मैंने यहाँ पे हल्की सी लगाई थी, मेरे यहाँ पे दाने बन गए थे छोटे छोटे। हाँ जी, चलो जाओ। आया तो ये देखिए, इसकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा फेस हो जाता है इसका। फर्स्ट टाइम जब किया था तो बहुत ही प्यारा इसका ना फेस हो गया था, नीट एंड क्लीन और सब गए कि बहुत। अब आफ्टर दिखाए, ट्रांसलेशन देते। 3 2 1 चेक कर, ये देखें चेक कर रहे हैं, नजर ही नहीं आ रही। मतलब हमारी पक्षी ना आवाम ही ऐसे, मगर ना रात के 12 बज जाना तब आनो तब चांद नजर आ गया है। हजरत मुबारक हो, आज चांद नजर आ गया है। अब यहाँ पे चांद नजर आ रहा। अभी सही आना ना, रात के 12 बजे लाना होता है। हाँ, मैं इतना भी नहीं होता है। बाल रखो, चांद रात आ गई है और ये मेरी चांद रात की लुक है, आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी इयररिंग्स उतार दी हैं, वैसे ये देखिए मैंने फ्रॉक्स पहनी है, ठीक है, फ्रॉक पहनी है। ये मेरी फ्रॉक है रेड कलर की, ठीक है, मैंने ये पहनी है, साथ मैंने ये इयररिंग्स पहने थे। ये देखिए कितने प्यारे से, बड़े प्यारे हैं, ठीक है गाइस, ये देखिए, ठीक है। ये इयररिंग्स पहने थे, मैं तैयार हो गई थी। उधर मम्मा मेहंदी लगा रही है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट दिखा देती हूँ। मम्मा के फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, उसके बाद मैंने भी मेहंदी लगानी, तो मेहंदी लगाई, तो मैं भी आपको दिखा के लगती हूँ। ये देखिए गाइस, देख लिए गाइस, मैं और नहीं दिखा सकती अंदर भी जा रही मैं, ठीक है। मम्मा के उस साइड पे भी क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। अभी मम्मा थोड़ी देर पहले फ्री थी कि मम्मा कितना ज़्यादा रश था क्लाइंट्स का, ठीक है। मम्मा तब फ्री हुई हैं, अब दोबारा आ गए हैं। इसके बाद मैं कहती हूँ अगर मम्मा के क्लाइंट आ गए तो ठीक है,
ना आए तो फिर मैंने लगवानी है, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है देखें, रात के क्या टाइम हो रहा है, 11 बजने वाले हैं गाइस। और अभी तक हमने कहना अभी मीठा बनना है गाइस, 9:30 बजे तो हमें पता लगे कि क्या कहते हैं ईद, उसके बाद से इतना रश है क्या बताओ। सर्विसेज वाला तो हो गया, सर्विस हमने कर ली थी, अब चांद रात का तो बहुत ही मजे का नहला है। मम्मा मुझे बुला रही है तो बाद में आपसे। ये देखिए चांद रात की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है, मेरे मेहंदी लगी हुई है, बस करे मम्मा इस पर लगी, देखिए रात कंप्लीट हो गया वो मेरा, ठीक है। और मेहंदी किस टाइम लगा रहे हैं, रात के चेक करें गाइस, 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे मेहंदी लग रही है। उससे पहले मम्मा के क्लाइंट्स वगैरह थे, क्लाइंट्स से तो मेरी मेहंदी नहीं लग सकी। अब जब मम्मा फ्री वगैरह हुई हैं, मैंने आपको क्लाइंट दिखाई भी थी, अब वो फ्री वगैरह हुई हैं तो मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ। जब मैंने वो फ्रॉक ड्रेस पहना हुआ था ना, फ्रॉक पहनी थी, तो क्या कहते हैं तब मेरा शूट हो रहा था, तब मैंने वीडियो शूट की थी, वो भी आ जाएगी यूट्यूब पे जल्दी। वो मैंने ना मतलब के जो चांद रात का था ना, उसके लिए मैंने एक वीडियो शूट की थी, वो मज़े की आप देखिएगा, बहुत प्यारी बनी थी वो थी। फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे ना पता नहीं क्यों जीव से लग रहा था, मैं थक गई थी बहुत ही, मेहंदी लगानी थी और ऊपर से फिर मैं थक गई थी, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अब मैं दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाने लगी हूँ। चलो मम्मा लगाएं दूसरे हाथ के, मैंने दिखाए रहे मम्मा कह रही बस कर दो मेरे से नहीं लगाई जा रही, यही करती है मेरे साथ, हर बार लगा लगूँ कि गई 12 बजे की सोई है और मेरे लगाते हुए रात के 2:30 बज गए। और मम्मा कह रही अभी मैं सुबह लगा दूँगी, सुबह वो नहीं आनी गई, सुबह लगाए लगाए जल्दी शक्ल जा कर मुझे नींद आ रही। नहीं मैं तो बड़ी खुशी से बैठी हूँ यहाँ पे, तो मान डाल रही तो खुशी हो ही रही है मुझे चांद रात की। मैंने आपको क्या बोला था मम्मा बताना, मैंने बोला था ना क्या जीत होगी, बोला था कि नहीं बोला था, आप लोग कहते नहीं नहीं जो मैं रात को होगी हमारी कहाँ सऊदी अरब लोगों के साथ होगी, सऊदी अरबिया वालों के साथ। मैंने बोला था कि हमारी ईद सऊदी अरबिया वालों के साथ ही होनी है वाँ। चलो मैं आपको मेहंदी लगती है ना तो फिर दिखाती हूँ, ट्रांसलेशन 3, 2, 1 एक मिनट गो। हाथ धो के फ्रेश होकर आ गई हूँ, नींद मुझे बहुत आ रही है, 4 बजे नहीं सुबह के, और मेरे हाथ धो देखे मेहंदी लगी है, साथ में कैमरा उधर भी लगी मेहंदी, ये भी सोई कम अभी उठ के आई है 2-3 बजे 4 बजे बल्कि अभी उठी है वॉशरूम जाने के लिए। फिर कहती मैंने भी उठना है, मैंने नहीं सोना, मैंने कहा ठीक है। वो आनी मेरे कपड़े प्रेस कर रही है तो वो मैं थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा झलक दिखा दिया ना, ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकती, तो मैं इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, आज मम्मा नहीं आज मैं एंड करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और सबसे पहले तो चांद रात मुबारक, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।